राधे मैं कौन? मेरा कौन? ये शाम श्रीमद्यशोदा सुतपदकमले नास्ति भक्तिर्नराणाम्। येषामभिर्कन्या प्रिय गुण कथने नानुरक्ता रसज्ञा। येषां श्रीकृष्ण लीला ललित रस कथा सादरौ नैव कर्णौ धिक्तान् धिक्तान् धिगेतान् कथयति सततं कीर्तनस्थो मृदंगः। श्रुतिमपरे स्मृतिमपरे भारतमपरे भजन्तु भवभीताः। अहमिह नन्दं वन्दे यस्यालिन्दे परं ब्रह्म। नमः कमलनेत्राय नमः कमलमालिने नमः कमलनाभाय कमलापतये नमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। राधा गोविंद पादारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव, नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया कि हम इन दोनों प्रश्नों का समाधान इसलिए चाहते हैं कि हम अनादिकाल से अत्यंत दुखी हैं। अशांत हैं, अतृप्त हैं, अपूर्ण हैं। एकांत में सोचिए कि अनादिकाल से भगवत विमुख होने के कारण हम मायाधीन हैं और मायाधीन होने के कारण अनंत जन्मों में अनंत पाप पुण्य किए हैं। उन कर्मों का बंधन है जिसे संचित कर्म कहते हैं। उसमें से कुछ अंश निकाल कर प्रारब्ध कर्म के रूप में भुगवाने के लिए भगवान ने ये 84 लाख प्रकार का कारागार बनवाया है, जेल। हम पहले पहल इस जेल में आए तो सबसे बड़ा जो कष्ट हमको मिला वो बड़ी गंदी कोठरी मिली। आज के जमाने में दुनिया के किसी देश में ऐसी जेल नहीं है, भले ही कोई 50 मर्डर किए हो। जितनी गंदी जेल की कोठरी हम लोगों को मिली, वैसे तो सभी के पेट में गंदगी ही गंदगी भरी है, आप लोग जानते हैं, नहीं तो किसी डॉक्टर से पूछ लीजिएगा। उसमें भी एक कमरा है स्त्रियों के, उसका नाम गर्भाशय है। बड़ा छोटा सा कमरा, अंधेरा, अनेक प्रकार की बदबू, और उसमें भी लगभग उल्टे टांगे गए। जैसे तैसे शरीर बना। उस शरीर को कितना कष्ट हुआ मां के पेट में, हम लोग भूल गए। मां ने लाल मिर्च खाया, उसका असर हमारे शरीर पर पड़ा, जलने लगा शरीर। हम कुछ कर नहीं सकते थे, बोल भी नहीं सकते थे, हमारा मुंह भी बंद कर दिया गया, हाथ पैर सब सिकोड़ कर बंद कर दिए गए। वो मल मूत्र गंदगी के कमरे में कीड़े भी थे, वे काटते थे हमको, हम कुछ नहीं कर सकते थे। जैसे तैसे 9 महीने बिताए। जब सहन से बाहर हुआ तो भगवान ने हमको ज्ञान दिया टेम्परेरी। तो हमने भगवान से प्रार्थना किया, हमको इस नरक से निकाल दीजिए, अब की बार हम केवल आपका भजन करेंगे। अस्त हम बाहर आए, बाहर आने में इतना कष्ट हुआ कि बहुत से बच्चे तो बेहोश हो जाते हैं। जन्मत मरत दुसह दुख होई, होश में आए तो रोए। बस रोना शुरू हो गया और मृत्यु के काल तक रोते रहे। ये तो एक्टिंग में हम लोग हंसते हैं, संसार में बनावटी हंसी। उसके बाद से दुख ही दुख मिल रहा है। हम न कुछ बोल सकते थे कई महीने, न करवट ले सकते थे, मच्छर काट रहा है। हम बड़े होकर पहलवान हो जाते हैं और एक मच्छर काटने लगता है तो ऐसे करते हैं, रहा नहीं जाता। और हमारा इतना कोमल शरीर चार चार मच्छर काट रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, रो दिए। मां नहीं है, वो अपना घर का काम कर रही है, रोते रहो। बुखार आ गया, हम बड़े होकर के बुखार में डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो 50 सवाल करता है। कब से बुखार आया? पहले ठंड लगी। दुनिया भर के, तब वो निर्णय करता है क्या बुखार है। अब वो बच्चा बेचारा तो बोल भी नहीं सकता। अब पता लगाओ कैसा बुखार है। अनेक प्रकार के दुख भोगते किसी प्रकार हमने करवट बदलना सीखा, फिर बैठना सीखा, फिर खड़े होना सीखा। बार बार गिरे, रोए, कष्ट हुआ गिरने में, लेकिन अभ्यास करते करते चलने लगे। लेकिन फिर दुख ही दुख, इधर से बाप की डांट, माँ की डांट, भाई की डांट, सब बड़े बड़े लोग डांटते जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है? क्या मुंह में डाल लिया बदतमीज। अब मुझको अकल तो थी नहीं, कुछ क्या करूं, भूख लगी थी, सामने एक लकड़ी पड़ी थी, उठाया, मुंह में डाल लिया, लो उसकी भी डांट पड़ गई। और कोई कोई माए तो खूब पिटाई करती हैं छोटे से बच्चे के भी, रो दिए, क्या करेंगे। और बड़े हुए, स्कूल जाओ और लो मुसीबत। अभी तक तो खेलते थे, कुछ मनोविनोद हो जाया करता था, अब मम्मी डेडी डंडा दिखा रहे हैं, स्कूल जाओ। गए, वहां मास्टर बैठा है हवा, और रोब दिखाता है, डांटता है, ए क्या कर रहा है, ठीक से बैठो। अरे अब मैं ठीक से बैठूं, कितनी देर बैठूं ठीक से? घर में तो उछल कूद करता था लगातार, और यहाँ घंटों, 2 घंटे 4 घंटे बैठे रहो। ये आधीनता कितना कष्ट देती है। वो भी सहा। अब परीक्षा आई, आ धुक धुक कहीं फेल न हो जाए, पास हुए, फिर आगे की पढ़ाई की चिंता। इसी में हमारी 24-25 साल की उम्र समाप्त हो गई। उसके बाद मैम साहब आई और मुसीबत खड़ी हुई। उनका डर बार बार, कहाँ गए थे? अरे कहीं गए थे, तुमसे क्या मतलब? मतलब कैसे नहीं है? और शरीर का दुख तो है ही है। हम बड़े परहेज से रहते हैं जी, हमको कोई बीमारी नहीं हो सकती। अरे ये बाहर का जो वातावरण है, इसमें बीमारी के कीटाणु उड़ते रहते हैं। वो लग गए, बीमार हो गए। हम तो ठीक ठीक खाना खाते थे जी, ठीक ठीक व्यायाम करते थे, ये को बीमारी हो गई। अरे वो पानी गड़बड़ था, अरे वो फैक्ट्री से धुआं निकला, 10,000 बीमार हो गए। उसमें गैस थी पॉइजनस। लो एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। रोज नए नए दुख। और 14-15 साल के बाद काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये बड़े बड़े भयंकर रोग आकर खड़े हो गए, जिनके आगे बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र सरेंडर कर चुके हैं। विश्वामित्र पराशर प्रभृतयो वाताम्बु पर्णाशनाः। हवा खाकर रहने वाले योगींद्र मुनींद्र भी इनसे हार मान गए हैं। इनकी मुसीबत सबसे बड़ी। खरबपति है, उससे क्या होता है? सारी दुनिया का राजा हो जाए। अरे स्वर्ग का राजा इंद्र भी काम, क्रोध, लोभ, मोह में दुखी है। अगर हम आपके सामने दुखों की लिस्ट बना कर दें तो बहुत बड़ी किताब तैयार हो जाए, जिसे हम लोग भोग चुके हैं। लेकिन एक कृपा है भगवान की, क्या कि बेटा तुम भूल जाया करोगे, दुखों को भूल जाया करोगे। बचपन में कितने दुख मिले। अरे अभी परसों बुखार था, उस समय 105 डिग्री में कितनी तड़पन हो रही थी, बुखार उतर गया, भूल भाल गए। भूल जाने की जो आदत है, इससे हम लोग जिंदा हैं। सुख भी भूल जाता है, दुख भी भूल जाता है। अगर सुख न भूले तो एक दिन रसगुल्ला खा लो डट के, और फिर उसके बाद जब इच्छा हो मन से सोच लो, आनंद मिल जाए। वो तो ये शारीरिक मानसिक प्रारब्ध जन्य, अरे कितनी गिनावें, इतने दुख हम लोगों पर है, जिसकी निवृत्ति के लिए हमको इन दोनों प्रश्नों का उत्तर समझना है, क्योंकि इन्हीं के उत्तर न मालूम होने के कारण ये सारे दुख हैं। क्यों? अरे मैं आत्मा हूं, अपने को शरीर मान बैठा माया के कारण। ये जीव माया लगी है ना हमारे ऊपर, इसने अपना स्वरूप भुला दिया, अपने को देह मान लिया। पहली गलती। और संसार में अटैचमेंट करा दिया। दूसरी, अब इसी के कारण तो सारे कष्ट मिल रहे हैं। हम पाप पुण्य जो कर रहे हैं और कर्म बंधन हो रहा है, और उसके भोगने के लिए 84 लाख में घूम रहे हैं। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प यह कर्मिणा, भागवत 7:7-42। सुखाय दुख मोक्षाय कुर्बाते दंपति क्रिया, भागवत 6:16-60। कर्माण्यारभमाणानाम दुख हत्यै सुखाय च, भागवत 11:3-18। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारमम्बा। हम लोग प्रत्येक क्षण दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, प्रत्येक क्षण। और कोई एम हो ही नहीं सकता। लेकिन प्रयत्न का परिणाम उल्टा। उल्टा क्या? बिंदेत भूयस तत एव दुखम, और दुख मिल रहा है। लोग कहते हैं ना, मर्द बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। हमने संसार का सुख अपनी इंद्रियों को दिया, लगातार देते जा रहे हैं। अनंत जन्म बीत गए, इन इंद्रियों का पेट नहीं भरा और भूख बढ़ गई है। लो, उल्टा हो गया। तो न जातु कामः कामानाम् उपभोगे न शाम्यति, हविषा कृष्ण भर्तने वो भूय एवाभिवर्धते, नारद परिव्राजकोपनिषद 3 अध्याय का 37वां मंत्र। ये इसी प्रकार का श्लोक के रूप में विष्णु पुराण में भी है, पद्म पुराण में भी है, भागवत में भी है, 9:19-14। जैसे जलती हुई उद्दीप्त अग्नि में घी डालते हैं याज्ञिक लोग और आग बढ़ती है, ऐसे जितना विषयों का हमने सेवन किया उससे और विषय वासना हमारी बढ़ती गई। दुख निवृत्ति नहीं हुई, दुख वृद्धि हो गई। इसलिए इन प्रश्नों का समाधान आवश्यक हो गया, लेकिन इनका समाधान प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान आदि प्रमाणों के द्वारा नहीं हो सकता। शब्द प्रमाण के द्वारा ही इनका समाधान संभव है। अतएव शास्त्रों वेदों की शरणागति में जाकर हम लोगों ने पता लगाया, हम कौन सा सुख चाहते हैं, कहाँ है, कैसे मिलेगा? वेदों ने बताया, यो वै भूमा तत्सुखम, सुख भगवत स्वरूप है। आनंदो ब्रह्म तीन छा, रसो वै सहा दो सात, तैत्तरीयोपनिषद। वो भगवान अनंत आनंद का सिंधु, हम उसको चाहते हैं, उस आनंद को चाहते हैं, अनंत आनंद को, दिव्य आनंद को, अपौरुषेय आनंद को, प्रतिक्षण वर्धमान आनंद को। उसको प्रेमानंद कहते हैं, कृष्णानंद कहते हैं। उसको चाहते हैं। तो वेदों ने कहा ऐसा है कि सर्वाजीवे सर्व संस्थे बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारञ्च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति श्वेताश्चतरोपनिषत् एकछा। देखो, ब्रह्म जीव माया तीन तत्व है, तुम जीव हो और माया के ओर आनंद ढूंढ रहे थे, ये गलत था। अब अबाउट टर्न हो जाओ और भगवान की ओर मुड़ जाओ, तो वहां तुमको अमृतत्व मिल जाएगा। ये जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा। संयुक्त में तत्क्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वादेवं मुच्यते सर्वपाशैः। वो जो ब्रह्म है उसको जान लो तो सब दुख चले जाएंगे एक साथ, अलग अलग दवा नहीं करनी पड़ेगी। अगर रोग का रीजन मालूम हो जाए डॉक्टर को तो चैलेंज के साथ ठीक कर देता है, और अगर रीजन ना मालूम हुआ तो 10 दिन में दवा खा, नहीं फायदा हुआ, अच्छा बदल दिया, नहीं हुआ फिर बदल दिया। ये क्या जोकरी कर रहा है? और क्या करूं, जब तक रीजन का पता न चलेगा ऐसे ही करते रहेंगे, अटकल पच्चू। लेकिन यहां बिल्कुल क्लियर एक दवा, ब्रह्म को जान लो, श्वेताश्चतरोपनिषद 1:8। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरक्षरात्मान विशते देवे कह तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति। ये सब दुखों की जननी माया है। इस माया से अगर निवृत्ति हो जाए सब दुख अपना अपना बिस्तर बांध के भाग जाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह सामने नहीं आ सकते, क्योंकि फिर भगवान का साम्राज्य हो जाएगा। तो वेद कहता है कि उस ब्रह्म को, उस भगवान को जानो, प्राप्त करो, तो दुख निवृत्ति भी हो जाएगी, आनंद प्राप्ति भी हो जाएगी। वो ब्रह्म जो है उसके 2 स्वरूप हैं, ये भी जानना आवश्यक है। मूर्तन चैवा मूर्तन च, एक सगुण साकार, एक निर्गुण निराकार। तो सगुण साकार ही दुख निवृत्ति कर सकता है और आनंद की प्राप्ति करा सकता है। निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म नहीं करा सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण अनंत गुणों से युक्त है, उसी में एक गुण है कृपा। और वेद कहता है यमे वैश्य वृणुते ते न लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु गम स्वाम 1, 2, 23 कठोपनिषद। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायाम निहितोष जंतो हो तमक्रतु पश्यति भीत शोको धातु प्रसादात। वो जब कृपा करे, कृपा से होगा, तो वो निर्गुण निराकार ब्रह्म कुछ करता ही नहीं, सत्ता मात्र है, आनंद मात्र है, वो देता नहीं कुछ। उसका न नाम है, न रूप है, न गुण है, न लीला है, न धाम है, न कुछ नहीं है। तो फिर उनकी कृपा ही कहां से मिलेगी आपको? तो बिना कृपा के दुख निवृत्ति तो तब होगी जब माया निवृत्ति हो, और माया निवृत्ति के लिए तो भगवान का चैलेंज है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, गीता 7:14। वो तो भगवान की कृपा होगी। तो भगवान माने सगुण साकार। इसलिए एक बात यह भी हो गई कि निर्गुण निराकार ब्रह्म से हमारा काम नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं, उनके घर तक जाते हैं तो वो इशारा कर देते हैं, आ गए हमारे पास, अच्छा अब तुम इधर चले जाओ, थोड़ा बगल में घर है हमारे दूसरे रूप का, उसका नाम है श्री कृष्ण, वहां कृपा मिलेगी। तो आप लोग कभी गवर्नमेंट के ऑफिस में गए हो और कोई काम हो तो किसी के पास जब जाते हैं तो वो कहता है, वो बैठे हैं ना बाबू, उनके यहाँ फाइल ले जाओ, ये हमारा काम नहीं है, उनका काम है। तो हम ब्रह्म के पास बड़ी मुश्किल में तो गए, क्योंकि अधिकारित्व ही उसकी इतनी क्लिष्ट है, ये अरबों में कोई नहीं अधिकारी मिलेगा, कलयुग में तो असंभव है। लेकिन अगर कोई पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार हो और थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो वो हो सकता है, तो वो अगर पहुंच भी जाए वहां तो और गिरने से बच जाए, अन्यथा तो आरुह्य कृष्ण परम पदम तथा पतंति 10:2:32। अंतिम सीढ़ी पर वो तृप्ति है उनकी, 7वीं सीढ़ी, वहां से भी गिर जाता है। लेकिन अगर कोई पहुंच भी गया तो कृपा नहीं मिलेगी, तो माया नहीं जाएगी, तो आनंद मिलने का प्रश्न ही कहां। इसलिए एक बात यह भी निश्चित हो गई कि श्री कृष्ण से ही काम बनेगा, चाहे उनको ब्रह्म कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे भगवान कहो, चाहे आनंद कहो। वो नंदनंदन श्री कृष्ण जो है वो है कृपा करने वाले, एक गुण नहीं है, अनंत है। यो वा अनंतस्य गुणाननंता ननुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि 11:4:2 भागवत। अगर कोई कहे मैं उनके गुणों को गिन लूंगा तो बच्चा है, भोला है। भोले बच्चे ऐसी बातें करते हैं जो असंभव हो। हाँ, ठाकुर जी जिद पे अड़ गए एक दिन, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं। अब बताओ मैया क्या करे, ये चंद्रमा का खिलौना, ये खिलौना है। अरे तो लोक है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है ऐसे वो लोक है, और उसको भला कोई मनुष्य पकड़ के ले आएगा और तुमको देगा खेलने को? नहीं, हम फिर न खाएंगे न पिएंगे। और पैर को घिसना शुरू किया, लोटना। तो श्री कृष्ण ही अनंत गुणों के सिंधु हैं। गुणात्मनस्ते गुणान विमातुम हितावतीर्णस्य काईशिरेस्य। 10, 14, 7 कौन समर्थ हो सकता है उनके गुणों को गिनने में? नान्तम गुणानाम गुणस्य जग्मु। 1, 18, 14 अंत नहीं है। भगवान की किसी चीज का अंत नहीं है। उनके रूप अनंत, नाम अनंत, गुण अनंत, लीला अनंत, धाम अनंत, संत अनंत। अनंत ब्रह्मांड भी है माया वाले। संख्या चेत रजसामस्ति न विश्वानाम कदाचन। तो कृपा के गुण के द्वारा हम भगवान को जान लेते हैं और कृपा पा लेते हैं। उससे ये माया निवृत्ति हो जाती है, इसलिए दुख निवृत्ति हो जाती है। और इतना ही नहीं, जब हमको ये तत्व ज्ञान हो जाता है कि कर्म से तो स्वर्ग मिलेगा, यज्ञ धर्म आदि कर्म से देखें चलते। हाँ, गए बहुत से लोग गए। ब्रह्मर्षि परीक्ष, सुना नहीं? परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों, परीक्षण किया। वो कर्म धर्म करके स्वर्ग गए और देखा अरे यहां भी वही हाल है हमारे मृत्यु लोक का। सब लड़ रहे हैं एक दूसरे से, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, सब वैसे का वैसा है। ये हमको बेवकूफ बनाया वेदों ने। नचिकेता और यमराज का संवाद है कठोपनिषद में। नचिकेता ने यमराज से कहा संसार में जैसे लोग किसी को बड़ा बड़ा के बोलते हैं ना, आप तो कुबेर हैं दान में, ऐसे ही नचिकेता ने कहा स्वर्ग की प्रशंसा। स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति, न तत्र त्वं न जरया बिभेति। स्वर्गलोक में कोई भय नहीं है। हमारे मृत्युलोक में तमाम भय रहता है, डर, माँ का डर, बाप का डर, भाई का डर, पड़ोसी का डर, गवर्नमेंट का डर। एक डर नहीं है, तमाम डर भरे पड़े हैं। स्वर्ग में कोई डर नहीं। इतनी गप। अरे स्वर्ग के राजा को भी डर लगता है। हमारी पृथ्वी पर कोई तपस्या करने लगा तो स्वर्ग का राजा इंद्र, अरे वो बड़ा तपस्या कर रहा है, वो हमारी सीट ले लेगा। ए उर्वशी को बुलाओ, उससे कहो जाए उसको भ्रष्ट करे। ये डर और एक दिन वो इंद्र की उम्र भी खत समाप्त होती है, वो भी इसी मृत्यु लोक में हमारे साथ आता है, हमारी मम्मी के साथ पैदा होता है। भय उसको भी है, काल का भय, कर्म का भय, माया का भय, गुणों का भय, राक्षसों का भय। युद्ध होता है देवताओं राक्षसों में, भागा भागा घूमा इंद्र, भगवान के पास गया, बचाओ। बड़े बड़े राक्षस होते हैं, जब रावण वगैरह दो इंद्र को पकड़ के बुलवा लेते हैं, ऐ चलो हमारे यहां झाड़ू लगाओ। सब देवता रावण के यहां नौकरी करते थे। सूरज की हिम्मत थी वहां अधिक टेम्परेचर दे, जितना रावण कहे उतने सूरज का टेम्परेचर नीचे आवे। जब रावण कहे तब पानी बरसे। ब्रह्मा तो उसके यहां वेद पाठ करने जाया करते थे, जैसे सेठों के यहां आजकल पंडित लोग जाते हैं। और आप कहते हैं कि स्वर्ग में कोई भय नहीं। अरे स्वर्ग के व्यक्ति को भी मालूम है, हाँ जी एक दिन जाना होगा। क्यों भाई? हाँ हाँ जी वो वेद में लिखा है, एक दिन हम लोगों को नीचे जाना होगा। अरे यार कैसा लगेगा तब जब नीचे जाएंगे तो? यहाँ इतना आयश व आराम का सामान ऐसा मिला हुआ है। और हाँ वो प्राइम मिनिस्टर जो है आज इंडिया का या किसी भी देश का, वो जानता है 5 साल बाद इलेक्शन में अगर हार गए तो हम जाके बैठे रहेंगे एक कोने में, कोई पूछेगा नहीं। मालूम है उसको, तो डर बना होगा उसको। अरे बने रहता है, पहले तो यही डर है कोई मार न डाले, और अगर बच गए तो इलेक्शन में हार न जाए। और जीत भी गए तो क्या पता आपकी ये एमपी लोग दूसरे को बना दे प्राइम मिनिस्टर। हर समय भय सबको है। और फिर इतनी बड़ी गप कि नचिकेता कह रहे हैं न तत्र त्वम, स्वर्ग में तुम नहीं रह सकते, तुम्हारी गति नहीं है, हमारी गति नहीं है। अरे जब तुम लोगों का पुण्य समाप्त होगा तो कौन नीचे गिराएगा? मैं ही तो गिराऊंगा। तो बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों ने बहुत साधना करके स्वर्ग में गए और परीक्षण किया, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा ऐसा बेकार है। और फिर ज्ञानियों ने कहा इधर आओ, हम ब्रह्म के पास ले चलेंगे, वो तो माइक जगत है स्वर्ग। तो इन्होंने भी जवाब दे दिया कि देखो भाई आत्मज्ञान तक तो हम ले जाएंगे, ब्रह्म ज्ञान हम नहीं करा सकते अपने ब्रह्म से, इसके लिए तुम जाओ श्री कृष्ण के पास। तो फिर समझदार जो थे उन्होंने कहा अरे इतनी बड़ी मेहनत करो, पत्रेषु पुष्पेषु फलेषु तोयेष्वकृत लभ्येषु सदैव सत्सु भक्त्या सुलभ्ये पुरुषे प्रुमा पुराणे मुक्तौ किमर्थं क्रियते प्रयत्न। अरे इतना कठिन ज्ञान मार्ग अरे क्यों जाते हो मनुष्यों? कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक। अरे जो हमारे श्री कृष्ण पत्ते से, फूल से, जल से प्रसन्न हो जाते हैं, उस भक्ति मार्ग को छोड़कर तुम विवेक, वैराग्य, समाधि, सठ संपत्ति, मुमुक्षुत्व, ध्यान धारणा, समाधि, ये अष्टांग योग के द्वारा क्यों इतना घोर तप कर रहे हो? और फिर भी काम नहीं बना, लौट के आए भाई जैसे उड़ी जहाज को पंछी उन जहाज पर आवे। पानी के जहाज पर एक पक्षी बैठा था, जहाज चल दिया, वो समुद्र के बीच में गया 4000 मील। अब उसको भूख लगी, अब वो कहाँ जाए, सब जगह पानी पानी। तो नृसिंह उनके पुराण में उन्होंने कहा कि ये तुम भक्ति का इतना सुलभ मार्ग छोड़ के और ये ज्ञान मार्ग में जाते हो, कितनी बड़ी नासमझी है। कामधेनु घर में बंधी है और जहर ढूंढ रहे हो बाहर। ज्ञान को जहर कहा तुलसीदास ने। ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी, खोजत आक फिरहि पाय लागी। ते सठ महासिंधु बिनु तरणी, पैरी पार चाहत जड़ करणी। नाव वाला खड़ा है, आ जाओ बैठ लो, मैं उधर पार कर देता हूं। मुझे जरूरत नहीं नाव आओगी, मैं तैर के निकल जाऊंगा। और कुछ दूर गया तो एक भंवर मिली, उसी में घूम रहा है, अरे बचाओ बचाओ। अरे तो नाव वाले ने तो कहा था आ बैठ जाओ, बड़ा रवाब दिखाया। अनधिकार चेष्टा कहते हैं। लेकिन कपटी लोगों को कौन समझाए? लेकिन अगर कोई समझदार समझ जाए तो उसको भक्ति मार्ग ही अपनाता है। तो भक्ति मार्ग के बारे में आप लोगों को बताया गया। पहली बात तो ये कि केवल श्री कृष्ण की भक्ति करना है, और केवल का मतलब श्री कृष्ण जन एक चाहिए, उसको गुरु कहते हैं, और एक श्री कृष्ण, ये दो समझ लो। यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरौ। 6:23 श्वेता चतुरोपनिषद। जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी भक्ति गुरु के प्रति हो। ये भक्ति गुरु ही प्रारंभ करेगा, गुरु ही अंत में देगा। सारा काम गुरु करता है, डायरेक्ट भगवान से कांटेक्ट नहीं हो सकता। गुरु भक्त्या समिलति, ब्रह्मदैवर्त पुराण। सो बिनु संत न काहू पाई, मिलई जो संत हो ही अनुकूला। ये भक्ति का क्रम है। आदौ श्रद्धा, ततः साधु संगोथ भजन क्रिया। नंबर 1 श्रद्धा होनी चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं है तो अनंत बार आप लोगों को अनंत संत मिल चुके हैं और ऐसे ही आप लोग जा जाके बैठे हैं। और सुना है और सिर हिलाया है, हाँ समझ गए, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं किया। वही मम्मी, वही डेटी, वही मैम साहब, उसी में मरेंगे, भगवान की ओर नहीं जाएंगे। मेरो मन हरिजू हाथ न तजे, ये मन इतना बलवान है और हठी है कि वो अपनी मां के पास ले जाना चाहता है। मन की मां है माया, ये माया का बेटा है मन, भगवान का विरोधी है, इसलिए आत्मा का दुश्मन है। लेकिन आप इसकी दोस्ती किए बैठे हैं। मेरा मन कर रहा है रसगुल्ला खाएं, एक बार 15 अगस्त को हम दिल्ली में थे, एक बहुत बड़े ICS ऑफिसर के घर पे। तो ऐसे पिकनिक हो रही थी कि आज छुट्टी है, कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, कोई कुछ, हा ही हो रहा था। उसी में एक ने कहा, अरे यार हलवा खाना चाहिए। बाबू साहब बड़े आदमी, कहा ड्राइवर से कहो हलवा लावे। उसी में एक ने कहा कि अरे साहब 12 बज गए, हलवा कहा, दुकान कहाँ मिलेगी। उन्होंने कहा एक दुकान है वो न्यू दिल्ली में, उसके यहाँ मिल जाती है। अब वो बेचारा ड्राइवर गाड़ी लेके गया, 15 किलोमीटर हलवा वहां से ले आया, फिर सब लोग खाए। जो सनक आ गई उसको हम लोग सनक कहते हैं। सनक माने मन, मन मानी। हम तो साहब किसी के आगे सर नहीं झुकाते, अपने मन से काम करते हैं, मन के गुलाम हैं। हाँ, अगर कोई गुलामी नहीं भी करना चाहता तो वो इतना बलवान है कि करवा लेता है। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, अरे अब कर लो, नहीं जी नहीं कर लो, हार गया। हार जाता है आदमी। अरे बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र हार जाते हैं, साधारण की कौन कहे। एक आदमी ने व्रत कर लिया, हम घूस नहीं लेंगे सारे जीवन। एक ने दिखाया 10,000, मैं घूस नहीं लेता। एक ने दिखाया 25,000, मैं घूस नहीं लेता। एक ने दिखाया 10 लाख, 10 लाख है। ले लेना चाहिए, लेकिन नहीं, मैंने प्रतिज्ञा कर रखा है नहीं लेंगे। अरे प्रतिज्ञा गई भाड़ में, अच्छा खासा सब प्रबंध हो जाएगा अपना, ले लो, हार गया। ये ऐसा मन है और हम इसकी सुनते जाते हैं। भगवान के अवतार ऋषभ ने कहा था, न कुरियात कर्चित सख्यम मनसि निवस्थिते, योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जायेव पुंश्चली। 5-6-3, 5-6-4 भागवत। अरे मनुष्यो, इस मन पर विश्वास न करना, ये विश्वास घाती है। जैसे कोई दुराचारिणी स्त्री पति से मीठी मीठी बातें करके और पड़ोसी से प्यार करती है, ऐसे ही ये मन है। अनंत जन्म बर्बाद किए हैं इसने। तो हमारा मन हमारा दुश्मन है, ये हर समय होशियार रहो और उसकी उस पर निगाह रखो। इधर चलो, इधर चलो। भगवान की ओर चलो। फिर भाग आया, ऐ कहां आया, फिर चलो। ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसी को कहते हैं अभ्यास वैराग्य। अर्जुन से भगवान ने कहा मन बड़ा चंचल है, ठीक है, असंशय मान गए हम 6:35, लेकिन अभ्यासेन तो कौन थे वैराग्य गृह्यते, अभ्यास करो। यहां से हटाने का, क्योंकि ये मेरा नहीं है, मेरा आनंद नहीं मिलेगा। और इधर लगाने का, क्योंकि ये मेरा है श्री कृष्ण। ये बार बार युद्ध करना पड़ेगा। तो भक्ति मार्ग में सबसे पहले श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धा माने क्या? गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वास श्रद्धा। शंकराचार्य ने अर्थ किया कि गुरु और शास्त्र वेद के उपदेश पर 100% विश्वास हो। वाल्मीकि से कहा मरा मरा कहते रहना जब तक हम लौट के ना आए। उसने पूछा नहीं कब लौट के आएंगे आप, बस आज्ञा पालन करना है गुरु। ऐसा शिष्य हो फिर भगवत प्राप्ति में कुछ देर नहीं। लेकिन ऐसा शिष्य अरबों में भी एक नहीं मिलता। गुरु ने जो आज्ञा दिया, गुरुजी ऐसा कह रहे हैं लेकिन ऐसा है कि, लेकिन ऐसा है कि, लेकिन ऐसा है कि। अगर बेवकूफ है तो मुंह पर जवाब दे देगा, लेकिन गुरुजी मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, मैं गृहस्थी आदमी हूं। और अगर सभ्य है तो वो मन मन में सोचेगा लेकिन ऐसा है कि, लेकिन ऐसा है कि। लेकिन गुरु की बात मानना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि, लेकिन ऐसा। यही मन है। जो संसार की ओर ले जाता है, श्रद्धा नहीं करने देता। और शंका हुई अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति 4:40 गीता। श्रद्धा खत्म हुई तो डाउट पैदा होगा, और डाउट हुआ सर्वनाश हो गया। तो आदौ श्रद्धा, श्रद्धा माने भूख, गंवारी भाषा में समझो। जब भूख लगी होती है तो भुना चना भी पिकनिक में बहुत बढ़िया लगता है, अरे मजा आ गई यार। और जो पेट भरा होता है तो रसगुल्ला भी कहते हैं यार वो कलकत्ते वाला अच्छा होता है, ये कुंडा वाला नहीं। तो संसार के स्वरूप को, भगवान के स्वरूप को सब थियरी पूरी तरह समझ ले, बार बार विचार करके पक्का कर ले, तब श्रद्धा पैदा होगी सही सही। तब इसके बाद महापुरुष का संग होगा, तब उसके बाद साधना करेंगे हम ठीक ठीक। फिर उसके बाद अनर्थ की निवृत्ति वगैरह होगी। फिर उसके बाद क्या होगा कल बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।